है फिगर, फिगर क्या है टू। क्वेश्चन कह रहा है इफ टू स्प्रिंग प्लस ब्लॉक सिस्टम शोन इन फिगर, ठीक है, T1 इक्वल टाइम पीरियड ऑफ स्प्रिंग प्लस ब्लॉक सिस्टम फिगर 1, T2 इक्वल टाइम पीरियड ऑफ स्प्रिंग प्लस ब्लॉक सिस्टम फिगर 2। नाउ बोथ स्प्रिंग इज कनेक्टेड इन पैरेलल एंड वन ब्लॉक ऑफ मास m इज कनेक्टेड टू बोथ स्प्रिंग, फाइंड टाइम पीरियड ऑफ स्प्रिंग प्लस ब्लॉक सिस्टम। अब टाइम पीरियड क्या होगा, समझ गया? हाँ। तो पहला हम टाइम पीरियड कैलकुलेट, T1 बराबर 2 पाई रूट अंडर का फास्ट स्प्रिंग ब्लॉक m बाय k इक्विवेलेंट, तो T1 बटा 2 पाई लिख देगा, होल स्क्वायर कर दो m बाय k, मास कर ले आप, तो T1 स्क्वायर बटा 4 पाई स्क्वायर m 1 बाय k1 किसमें जोड़ दिया है दोनों को, पैरेलल में ना, हाँ पैरेलल में क्या पढ़ा था, के इक्विवेलेंट के वन प्लस के टू, यहाँ से के वन निकाल लो, 4 पाई एम अपॉन टी वन स्क्वायर होगा। इसी तरह से सीमी लर्ले हम के टू बराबर क्या लिख सकते हैं, 4 पाई स्क्वायर एम बटा टी टू, अब दोनों किसमें करता है सीरीज में जोड़ दिया, तो के इक्विवेलेंट इसका मतलब है, अब पिक्चर क्या कहता है कि अब दोनों स्प्रिंग को जो है पैरेलल में अटैच करके, पैरेलल में अटैच कर दिया, इसे कर दिया और दोनों से यही ब्लॉक जोड़ दिए, कौन ब्लॉक, एक ब्लॉक एम मास्टर ब्लॉक, ये हो गया K1, ये हो गया। अब कहा था इसका टाइम पीरियड क्या होगा, इसका तो दिया हुआ टी वन टी टू, अब हम टी बराबर क्या लिखे बताओ, 2 पाई रूट अंडर एम बाई के इक्विवेलेंट के वन प्लस के टू, पैरेलल प्लान है के वन प्लस के टू, के इक्विवेलेंट फॉर्मूला ना, तो फॉर्मूला क्या लिखो, के इक्विवेलेंट तो टी इक्वल टू 2 पाई एम बाय के वन प्लस, क्वेश्चन लिख लिया है। अब क्या करेंगे, टी स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर बना बाय एम 1 बाय के वन 1 बाय के टू, उलट दो 4 पाई एम टी का स्क्वायर बराबर के वन प्लस के टू, के वन प्लस के टू निकाल चुके हैं। हाँ। तो क्या होगा, 4 पाई स्क्वायर बाय टी स्क्वायर, 4 पाई स्क्वायर एम बाय टी वन स्क्वायर, 4 पाई स्क्वायर एम बाय टी टू कैंसिल हो जाएगा। हाँ। तो क्या आ गया, 1 by t स्क्वायर 1 by t1 स्क्वायर 1 by t2 स्क्वायर, क्लियर? हाँ। अगर फ्रीक्वेंसी अगर दे रहेगा तब कहता है इसकी फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है न्यू, इसका फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है न्यू टू, तो इसका फ्रीक्वेंसी क्या होगा, तो न्यू स्क्वायर बराबर न्यू 1 स्क्वायर प्लस न्यू 2 स्क्वायर, न्यू 2 स्क्वायर फ्रीक्वेंसी, क्लियर? कहता है ये आपका स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है, टी इक्वल टू टाइम पीरियड दिया हुआ है, टाइम पीरियड ऑफ स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम टी दिया हुआ है, ठीक है, इस सिस्टम का टाइम पीरियड। कहता इफ स्प्रिंग इज कट इन इक्वल पार्ट एंड ईच पार्ट आर कनेक्टेड connected parallel to each other with same block of mass m, find new time period for a spring plus block system system।
तो देखो हम जानते हैं कि स्प्रिंग कांस्टेंट जो होता है वह ओरिजिनल लेंथ के क्या होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। एल है ओरिजिनल लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्प्रिंग कांस्टेंट। तो एक इक्वल पार्ट में कट करेंगे तो ईच का लंबाई एल बाई एन हो जाएगा। हो जाएगा एल बाई एन तो स्प्रिंग कॉस्ट लेंथ घटेगा तो स्प्रिंग कॉस्ट बढ़ेगा। इसका हर स्प्रिंग का स्प्रिंग कॉस्टेंट एन क्या हो जाएगा। हाँ। और दो इक्वल पार्ट में काटेगा तो टू क्या हो जाएगा। लेंथ अगर आधा करेंगे तो स्प्रिंग कॉस्टेंट दुगना होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल। लेंथ को आधा कर देंगे तो स्प्रिंग कॉस्ट दुगना हो जाएगा। तो क्या होगा ऐसे केस में बहुत सारा स्प्रिंग बनेगा एल वाला स्प्रिंग बनेगा और सेम ब्लॉक ऑफ मास एम के साथ ये अटैच हो जाएगा। सब का स्प्रिंग कॉन्स्टेंट क्या होगा केएन। केएन होगा केएन तो के इक्विवेलेंट क्या लिखेंगे पैरेलल में केएन प्लस केएन डॉट डॉट या अप टू एल तक के इक्वल पैरेलल पढ़ा ना के वन प्लस के टू पैरेलल से सबसे तो के गुना एल स्क्वायर टाइम पीरियड टी बराबर टू पाई रूट अंडर एम बाय के इक्वल तो टू पाई टाइम पीरियड टी डैश करो टी डैश टू पाई के इक्वल k गुना n स्क्वायर तो t डैश बराबर क्या होगा 2 पाई m बाय और गुना 1 बाय n तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा t डैश बराबर 2 पाई रूट m बाय k। तो हम t लिख सकते हैं कैपिटल t क्या हो जाएगा t बाय n। बहुत कुछ था क्या देगा एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है जिसका टाइम पीरियड 4 सेकंड एल है। स्प्रिंग को दो इक्वल पार्ट में काट दिए और अगेन रिकनेक्ट पैरेलल टू ईच अदर एक दूसरे के पैरेलल जोड़ दिए तो टाइम पीरियड क्या होगा दो इक्वल पार्ट में काटे हैं तेल बराबर टू डाल देंगे तो 4/2 तो दूसरे के समझ गया समझ रहा है। तीन इक्वल पार्ट में काटेगा तो टी बाई थ्री कर देगा। फोर इक्वल पार्ट में काटेगा बस हर स्प्रिंग को किस में जोड़ते पैरेलल में जोड़ते और पैरेलल में जोड़ेगा भी क्वेश्चन टाइम पीरियड ऑफ टू ब्लॉक सिस्टम टाइम पीरियड ऑफ टू ब्लॉक सिस्टम दो ब्लॉक सिस्टम पर टाइम पीरियड क्या होगा ब्लॉक ऑफ मास है स्प्रिंग कांस्टेंट के एम1 मास है मास अलग अलग कर दो M2 है सरफेस क्या है स्मूथ है तो म्यू बराबर जीरो ठीक है। मान लो कि ये दोनों ब्लॉक खींच करके क्या किया गया खींच करके और इस स्मूथ सरफेस पर रख दिया गया जैसे रखेंगे दोनों ब्लॉक क्या करेगा ऑसिलेट करेगा। हाँ। ऐसे ऐसे जब ऑक्सीलेट करेगा तो देखो ये है तुम्हारा नेचुरल स्टेट क्या हमारा स्टेट है नेचुरल स्टेट ऑफ स्प्रिंग। नेचुरल स्टेट का स्प्रिंग का लेंथ कितना है एल नॉट क्या है एल नॉट स्प्रिंग ठीक है। अब इसको खींच करके छोड़ दिया गया
गुरुजी यहाँ है, किसान ब्लॉक यहाँ है, अब इसमें इलॉन्गेशन हो जाएगा। M2 मार ओरिजिन से कितना डिस्टेंस पर है, x1 ये कितना डिस्टेंस पर है, कितना डिस्टेंस x2 x2 डिस्टेंस x2 लिखा है ना, x2 डिस्टेंस। अब इलॉन्गेशन कितना हो गया यहां से यहां के बीच का, एक दो ब्लॉक के बीच का दूरी कितना होगा, x2 माइनस x1 x1 होगा। इलॉन्गेशन इन स्प्रिंग क्या होगा, ये ओरिजिन है ओ जहां से दूरी का मेजरमेंट करना है, तो इलॉन्गेशन इन स्प्रिंग बराबर कितना, x2 माइनस x1 माइनस l0, और इन दोनों के बीच का दूरी जितना है नेचुरल लेंथ को घटा देंगे, इलॉन्गेशन निकल जाएगा। अब इस इलॉन्गेशन को मान लीजिए x, क्या मान लेते हैं x, तो ये ब्लॉक जो है ये स्प्रिंग जो है इस ब्लॉक इधर खींचेगा स्प्रिंग कितना k गुना x प्लस ये स्प्रिंग इधर खींचेगा k गुना x नहीं इलॉन्गेशन तो x ना है, स्प्रिंग कांस्टेंट k है, तो फॉर ब्लॉक ऑफ मास m1, फॉर ब्लॉक ऑफ मास m1 के लिए न्यूटन लॉ ऑफ मोशन लिखो, फोर्स लग रहा है इधर, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इधर, तो मास m1 गुना एक्सेलरेशन d2x1 / dt2 पोजीशन को दो बार डिफरेंशिएट करें एक्सेलरेशन, हां बराबर k गुना x d2x1 dt kx / इक्वेशन नंबर फॉर ब्लॉक ऑफ मास m2 के लिए क्या लिखेंगे, तो डिस्टेंस मेजर हुआ इधर लेकिन फोर्स इधर लग रहा है तो माइनस हो जाएगा m2 into d2x2 by dt बराबर kx, तो d2x2 by minus kx by m2 equation number। अब देखो इसको equation first कर लो, ठीक है पहले इतना लिख लो, लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट को डिफरेंशिएट करो दो बार फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, वे इसको दो बार डिफरेंशिएट कर दो, इसको दो बार, पहला बार करोगे तो dx / dt आएगा, दूसरा बार d2x / dt² माइनस d2x1 तो कांस्टेंट है ना नेचुरल लेंथ डी टू एक्स वाई होगा। हाँ अब यहां से रख दो वैल्यू डी एक्स वन बाई डी टी क्या डी एक्स टू बाई डी रख दो, ओ फर्स्ट इसको मान लेते हैं जी, उसको क्या लिखा था, कोई फर्स्ट ही लिखा था उसको भी फर्स्ट लिख दिया था ना ना, यहाँ इक्वेशन लिखा था इसको फर्स्ट लिखता ना, हाँ इसको सेकंड कर दीजिए, ठीक है इसको थर्ड कर, ठीक है तो हम लिखेंगे अब सेकंड और थर्ड से डी टू एक्स टू डी टी स्क्वायर में यहाँ रख दे माइनस के एक्स माइनस के एक्स बाय एम वन बराबर डी टू एक्स बाय क्या कोई दिक्कत नहीं। अब क्या आ गया k x कॉमन आ जाएगा वन वाई एम टू प्लस वन वाई डी टू एक्स वाई
आ जाएगा। अब क्या लिखिएगा, माइनस के एम वन प्लस एम टू, एम वन गुना एम टू डी टू एक्स वाई डी टी स्क्वायर होगा माइनस के अपॉन एम वन प्लस और गुना डी टू एक्स वाई। इसको हम रिड्यूस मास कहेंगे, इसको कहते हैं रिड्यूस मास, मास फॉर टू ब्लॉक सिस्टम। समझ गए, रिड्यूस मास क्यों, क्योंकि इसका डायमेंशन तो मास के बराबर होगा। अरे एम स्क्वायर ऊपर आएगा, नीचे एम आएगा, एम कट के एम आएगा, तो इसका मतलब रिड्यूस मास को कहते हैं। कौन सा मास, रिड्यूस मास। रिड्यूस मास को रिप्रेजेंट करते हैं म्यू से, किस से रिप्रेजेंट करते हैं, तो म्यू से। तो म्यू इक्वल टू हो गया m1 into m2 बटा m1 प्लस m2। याद रखो रिड्यूस मास, ठीक है। तब क्या हो जाएगा, डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर माइनस के अपॉन रिड्यूस मास और गुना डी टू एक्स अपॉन ओमेगा स्क्वायर। दिस इक्वेशन सो हियर ओमेगा इक्वल टू रूट लैम्डा के अपॉन टाइम पीरियड टू पाई म्यू बाय के हो जाएगा। इसका मतलब है पैटर्न लिख लो, जल्दी किया था हाँ। इसका मतलब हम इन जनरल क्या लिख सकते हैं, इन जनरल, इन जनरल फॉर्म, जनरल फॉर्म में ऐसा लिखते हैं टाइम पे टी इक्वल टू टू पाई दो बॉडी सिस्टम के लिए क्या हो जाएगा, रिड्यूस मास बटा के इक्विवेलेंट। अगर टू बॉडी सिस्टम में रिड्यूस मास आ जाएगा, एक बॉडी रहेगा तो टू पाई रूट अंडर एम बाई के इक्विवेलेंट, और दो बॉडी में रिड्यूस मास और एक बॉडी रहेगा तो क्या होगा, एम अपॉन के इक्विवेलेंट। टू पाई तो है का क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है फाइंड टाइम पीरियड ऑफ अ स्प्रिंग प्लस ब्लॉक सिस्टम शोन इन फिगर, है ना। तो सबसे पहले दो ब्लॉक का क्या निकाल लेंगे, रिड्यूस मास निकाल लेंगे m गुना 2m / 3m, 2m / 3 के इक्विवेलेंट निकाल लेंगे k1 गुना k2 / k1 प्लस 2k / 3। अब क्या हो जाएगा, रिड्यूस मास अपॉन के इक्विवेलेंट टू पर रूट अंडर म्यू टू एम बाय थ्री, टू एम बाय अपॉन के बाय थ्री, टू के बाय थ्री तो कट जाएगा ना हाँ। कहा गया टी बराबर एम बाय, समझ गया तरीका। The motion of the block of mass m, surface of का समूह है म्यू बराबर जीरो। Describe the motion, ये block चला dl speed से, क्या करेगा, यहाँ से चलेगा, इसमें जाके टकरा जाएगा, टकराने के बाद जो है दोनों साथ साथ चलेगा, block दबाएगा ना इसके अंदर हाँ, ठीक, इसको return होगा। जैसे यहां आएगा फिर ब्लॉक जो है स्प्रिंग से अलग हो जाएगा, फिर ये ब्लॉक को गति मिल जाएगा इधर, फिर दीवार से टकराएगा, फिर लॉट कोलिजन इलास्टिक है हाँ। जिस स्पीड से टकराएगा उसी स्पीड से लौट जाएगा, लौट जाएगा फिर चलेगा।
इसी तरह से दबाव मोशन करेगा। तो स्प्रिंग कहां से कहां तक मोशन किया? स्प्रिंग ब्लॉक जो है एक साथ कब तक रहा? यहां से यहां गया, फिर यहां से यहां आया, फिर तो ब्लॉक स्प्रिंग से अलग हो गया। हाँ, इसका मतलब यहां से यहां गया, फिर यहां से यहां आया, इसका मतलब ऑफ ऑसिलेशन ने किया। फुल करता था कहां जाता? इधर आता, फिर यहां आता ना, फुल ऑसिलेशन होता। हाँ, गया और आया, इसका मतलब है कि टाइम पीरियड क्या हो गया स्प्रिंग ब्लॉक के लिए? 2π√n m by k पर है ना, तो अगर आधा ना हो गया, हाफ ऑसिलेशन ने किया, गया और आया, हाफ ऑसिलेशन। अच्छा, ब्लॉक यहां से यहां गया, तना स्प्रिंग पे गया, और फिर लौटते समय फिर यहां से यहां आया, तो टाइम कितना लगा ब्लॉक यहां पे आने में? तो यहां से यहां l, यहां से फिर आया 12, डिस्टेंस बाय स्पीड, तो कांस्टेंट है ना भेजे। तो डिस्टेंस बाय स्पीड क्या हो गया? टाइम। तो टाइम पीरियड निकल गया इसी कटिंग पे। तो स्प्रिंग ब्लॉक के लिए टाइम पीरियड क्या हो गया? प्लस 2l बाय बेस इज है, समझ पाता गया? और ब्लॉक जो है स्प्रिंग से अलग हो गया का, जब पहले तो ब्लॉक चलेगा यहां से, स्प्रिंग को दबाएगा, स्प्रिंग ब्लॉक दोनों साथ साथ चलेगा, फिर रिटर्न जब होगा, जैसे ही ब्लॉक यहां आएगा, फिर स्प्रिंग से अलग हो जाएगा, क्योंकि डी अटैच है ना। तो यहां से यहां, फिर यहां से यहां आएगा, कितना डिस्टेंस चला? तो 2l का स्पीड से अपना देखता हूं, कहता है कि ब्लॉक जो है उसे क्या कर रहा है? The left block in figure collide inelastically with right block. Right block है, left block है, left block right block से टकरा गया, collision inelastic है और stick कर जाता, मतलब जाता। To it, find amplitude of resultant simple harmonic motion. जब इस दोनों block और spring मिलकर simple harmonic motion करेगा, तो उसका amplitude क्या होगा? इसका मतलब है कि जितना मैक्सिमम कंप्रेशन होगा वही इसका एम्पलीट्यूड कहलाएगा। बोलो, जितना इसमें मैक्सिमम कंप्रेशन होगा वही एम्पलीट्यूड कहलाएगा। तो टकराने के बाद दोनों साथ साथ चलेगा, तो कॉमन वेलोसिटी क्या हो गया? वीडस का पता फॉर्मूला, इनइलास्टिक कोलिजन m1 u1 by m1 u2 by m1 plus m2 क्या हो गया? परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन के लिए फॉर्मूला पढ़े थे, कॉमन वेलोसिटी दोनों साथ साथ चलेगा तब ना। हाँ, तो वीडस बराबर क्या होगा? m गुना भी m गुना जीरो बाई टू एम कट गया, क्या होगा? वी बाय टू, मतलब दोनों टकराने के बाद साथ साथ चलेगा इस गति से, है ना। अब हम मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व करते हैं, फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, तो काइनेटिक इनिशियल, पोटेंशियल इनिशियल, काइनेटिक एनर्जी फाइनल, काइनेटिक इनिशियल टकराने के बाद दोनों कॉमन गति चल रहा है, तो हाफ टू एम ना, स्प्रिंग में कोई कंप्रेशन कोई इलोंगेशन तो है नहीं इनिशियली, अब मैक्सिमम कंप्रेशन के बाद तो दोनों ब्लॉक जाकर रुक जाएगा। बराबर हाफ के एक्स मैक्स, मैक्सिमम कंप्रेशन ही एम्पलीट्यूड का लगा, डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड, सॉल्व करो बजाएगा ना। तो हाफ साफ कट गया, तो यहां से सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? स्क्वायर बाय बाय टू बाय के का रूट बराबर एक्स मैक्स यही एम्पलीट्यूड का लाएगा, भी बाहर आ जाएगा, कितना हो जाएगा? एम अपॉन लाएगा डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट एम्पली
मैक्सिमम कंप्रेशन कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड, इससे डिस्प्लेसमेंट टू क्या करेगा, वाइब्रेट करेगा, समझ गया? हाँ चलिए हम वी बाय ठीक है। कारा क्वेश्चन कि द फ्रिक्शन फोर्स फ्रिक्शन कोफिशिएंट बिटवीन टू ब्लॉक शोन इन फिगर इज म्यू, ये मैंने दोनों ब्लॉक के बीच का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है, म्यू ठीक है। एंड हॉरिजॉन्टल प्लेट इज स्मूथ, हॉरिजॉन्टल सरफेस क्या है, स्मूथ। इफ द सिस्टम इज स्लाइटली डिस्प्लेस एंड रिलीज फाइंड द टाइम टेबल, माने दोनों साथ साथ अगर ऑक्सीडेट करेगा डिस्प्लेस करे छोड़ी दोनों साथ साथ ऑक्सीडेट करेगा तो टाइम पीरियड निकालना तो आसान है। टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या है स्प्रिंग ब्लॉक में, 2 पर अंडर m m m टोटल मास हो जाएगा m प्लस m बाय k बाय k, जो फॉर्म आसान है टाइम पीरियड। अब b नंबर क्या है, कहता फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शन फोर्स व्हेन ब्लॉक इज डिस्प्लेस, वेन ब्लॉक इज डिस्प्लेस फ्रॉम मीन पोजिशन इज एक्स, अगर मीन पोजिशन से अगर हम एक्स डिस्प्लेस, मीन पोजिशन है यहां से एक्स डिस्प्लेस कर दिए तो पूछता फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन ब्लॉक ऊपर वाले दोनों ब्लॉक के बीच में फ्रिक्शन फोर्स कितना लगेगा। तो मीन पोजिशन से एक्स डिस्टेंस पर इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, सो निकाल दो 10 होता है एक्सेलरेशन, हां तो क्या पढ़ा फॉर्म एक्सेलरेशन के बराबर ओमेगा स्क्वायर गुना एक्स एक्स, और ओमेगा बराबर क्या होता है स्प्रिंग ब्लॉक के लिए रूट अंडर 2 के वाई एम, हां के वाई एम, के वाई एम ना, स्प्रिंग ब्लॉक के लिए ओमेगा बराबर रूट अंडर के वाई एम, के वाई एम एम प्लस एम हो जाएगा, घर ही ना टाइम पीरियड उलट हो गया हमारा बात। हां तो क्या हो जाएगा के वाई एम प्लस एम का होल स्क्वायर गुना ये हो गया एक्सेलरेशन ऑफ बोथ ब्लॉक, बोथ ब्लॉक एट डिस्टेंस एक्स फ्रॉम मीन पोजिशन बराबर क्या लिखेंगे के एक्स बाई एम प्लस हो जाएगा। हाँ। इसका मतलब है कि पिक्चर ऐसा होगा, पिक्चर ऐसा एक्स इलोंगेशन मीन पोजिशन से एक्स दूरी पर होगा, ये स्प्रिंग इलोंगेशन एक्स होगा ना। हाँ। बोलो स्प्रिंग इलोंगेशन कितना होगा एक्स, ए बराबर हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर एक्सेलरेशन हो जाएगा स्प्रिंग कांस्टेंट के इलोंगेशन एक्स, इलोंगेशन लिख सकते हैं इलोंगेशन इक्वल टू और हम जानते हैं कि दोनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन इधर के तरफ है इधर के तरफ, तो ऊपर वाला भी ब्लॉक का एक्सेलरेशन इधर के तरफ होगा, तो ऊपर वाला ब्लॉक को कौन चलाएगा लेफ्ट डायरेक्शन में, ऊपर वाला ब्लॉक को एक्सेलरेशन कौन रख, ऊपर वाला ब्लॉक को एक्सेलरेशन जो है कौन प्रोवाइड करेगा लेफ्ट के डायरेक्शन में, फ्रिक्शन, फ्रिक्शन। अरे mg तो आएगा नीचे, नॉर्मल आएगा ऊपर, फ्रिक्शन तो एक्सेलरेशन प्रोवाइड करेगा इधर के तरफ। न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहता है कि बिना एक्सेलरेशन के, बिना फोर्स के एक्सेलरेशन तो हो ही नहीं सकता, और इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन है लेफ्ट के डायरेक्शन में, इसका मतलब है कि इस ब्लॉक के जो इस पर फ्रिक्शन फोर्स कहां लग रहा है लेफ्ट, लेफ्ट ना, हां लेफ्ट। mg लगेगा कहां नीचे, नॉर्मल कहां लगेगा ऊपर, फ्रिक्शन लगेगा इधर, यही फ्रिक्शन फोर्स जो है दोनों ब्लॉक को एक साथ ट्रेवल कराएगा, यही फ्रिक्शन फोर्स पूछता है। तो फ्रिक्शन फोर्स F S बराबर क्या होगा, ऊपर वाला ब्लॉक को लिख F बराबर F गुना A, वो तो लिखा हुआ है,
एफ एस बराबर कितना मास, अच्छा सब निकाल चुका है ना, के एक्स अपॉन प्लस एम प्लस एच गुना कर दो, तो एफ एस बराबर हो गया के एम एक्स बाय एम प्लस एम, ओके, क्योंकि ऊपर वाले ब्लॉक को फ्रिक्शन ही ट्रेवल करा सकता है लेफ्ट के डायरेक्शन में, क्योंकि एमजी और नॉर्मल तो वर्टिकल डायरेक्शन में, और इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन है लेफ्ट के डायरेक्शन, इसका मतलब है कि इस ब्लॉक पर लेफ्ट में कोई ना कोई फोर्स लग रहा है, तो अब कौन वह फोर्स क्या हो सकता है, तो अब फोर्स हो सकता है फ्रिक्शन, समझ गया, अब स्टैटिक हो गया क्योंकि इसके रिस्पेक्ट में बॉडी क्या है रेस्ट में है ना, इसके साथ चल रहा है बड़ा वाला के साथ छोटा चल रहा है, इसका मतलब इसके रिस्पेक्ट में रेस्ट में, तो फ्रिक्शन लग गया स्टैटिक, क्लियर। अब क्या करता है, व्हाट कैन द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड इफ द अपर ब्लॉक डज नॉट स्लिप रिलेटिव टू लोअर ब्लॉक, ये मैक्सिमम किस एम्पलीट्यूड में वाइब्रेट करेगा, ऊपर वाला ब्लॉक जो है नीचे वाले ब्लॉक पर स्लिप ना करे, नहीं तो सी नंबर, इसका मतलब है कि दोनों साथ साथ कब तक किस एम्पलीट्यूड में ऑसिलेट करेगा दोनों साथ साथ, इसका मतलब एक निकालना है, तो हम लोग क्या पढ़े हैं एफ एस लेस देन आर इक्वल टू क्या होता है म्यू एस इनटू होता है एन, एफ एस निकाल चुके हैं के एम एक्स अपॉन एम प्लस एन लेस देन आर इक्वल टू म्यू एस म्यू दे ले क्वेश्चन में, और एन बराबर क्या हो जाएगा, देखो तो एन बराबर एम जी हो जाएगा, एन और एम जी बैलेंस कर लेंगे दूसरे को, एम से एम एक्स लेस एंड आर इक्वल टू एम प्लस एम इंटू जी म्यू बाय, इसका मतलब है कि ये दोनों ब्लॉक मैक्सिमम कितना डिस्प्लेस हो सकता है इतना, यही मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा एम्पलीट्यूड, जिसमें दोनों साथ साथ चलेगा, दिस इज द एम्पलीट्यूड डिस्प्लेसमेंट, जिसमें दोनों साथ साथ ऑसिलेट कर डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड, जिसमें दोनों ब्लॉक साथ साथ ऑसिलेट करेगा, समझ गया, क्योंकि हमें तो निकालना है एक्स, और एक्स में निकालना है कि एक्स मैक्सिमम कितना मीन पोजीशन से मैक्सिमम कहां तक जा सकता है कि दोनों साथ साथ ऑसिलेट करें, तो मैक्सिमम तो एफएस पढ़ चुके हैं स्टैटिक फ्रिक्शन लेस एंड आर इक्वल टू म्यू एस इनटू एन, एफएस निकला हुआ है एन का वैल्यू पता नहीं चल रहा है यहां से एक्स कि मैक्सिमम इतना डिस्प्लेस कर सकते हैं मीन पोजीशन से जिसमें दोनों साथ साथ ऑसिलेट कर सकता है, ऊपर वाला ब्लॉक बिना स्लिप किए हुए ओवर द लोअर ब्लॉक,